नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सा संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर सबीना आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। मैं अनिल सेठ अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अंकल प्लीज सेशन को कन्वीन करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनिल अंकल अंकल, इज देयर अ प्रॉब्लम विथ साउंड टुडे? नो इट्स ओके, यू आर ऑडिबल। ओके। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी महाराज एवरीबॉडी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वेलकम टू द Guruji Darbar Aunty, we look forward to hearing your journey with Guruji. Thank you, Ji. Nu pura vishwas se that it will. Anilakar, your voice is very low. You can change the direction, please. More than the Sangat of today, because ये वही संगत है जो टॉर्च बेरर बनके आज की संगत को गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो आंटी, आई वोंट टेक एनी more of your time, please join us and inspire us. गुरु जी को प्रणाम करते हुए सारी संगत को नमस्कार। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स अंकल, दो दे वो वेरी हैवी वर्ड्स एंड आई डोंट थिंक आई एम वर्दी ऑफ सच वर्ड्स बिकॉज गुरु जी इज द ओनली टॉर्च बेरर हियर एंड आई कैन ओनली रिलेट what I felt and I can only recite what I heard by word of mouth. So taking you back to 1995, we heard koi baba aaye hain cure karte hain and our so-called education did not permit us to go initially because we did not believe in such things. And when my brother-in-law started going, Guruji started telling him apne bhai bharjai ko lekar aao. काफी समय बीता, हम नहीं गए। उसके बाद महसूस हुआ कि बहुत सुना जा रहा है उनके बारे में, वो बीमारियां ठीक कर रहे हैं लोगों का। मैंने हार्ट कैंसर और भी बहुत बीमारियों का सुना। मेरा छोटा सा बच्चा 7 साल का उस टाइम था, मेरा बेटा, और क्योंकि उसको हर महीने बुखार आता था, आई वॉज अ लिटिल ट्रबल्ड। माई ओन लेग्स यूज टू पेन अ लॉट, हिप से लेके टोज तक मैं बहुत ज्यादा पेन में रही बेटी होने के बाद, और मर्ज पता नहीं चलता था। इलाज सारे मैं करा चुकी थी, आई कुड नॉट सिट ऑन द फ्लोर आइदर। तो मन में ये था कि इतने सारे लोगों का हुआ तो मेरा भी कल्याण हो, और ये धारणा लेके मैं गुरु जी के पास गई। तो जब वहां जाना हुआ, उस जमाने की बात है जब कोई मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, गुरुजी का डेरा जलंधर में था जहां से वो आए थे दिल्ली लोगों का कल्याण करने के लिए, और एक जगह ली उन्होंने जहां पे लोग एकत्रित होते थे शाम को। तो हम वहां गए और गुरुजी ने हमें बोला कि मेरे पीछे अपनी गाड़ी लगा लो, मैं कहीं जा रहा हूं। उस टाइम वो लेके गए एम्पायर स्टेट में, उस समय उन्होंने उसका नाम छोटा मंदिर नहीं डाला था, आंटी का घर था।
और ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम जैसे होता है वो था, लेकिन लोग जमीन पे बैठे हुए थे। मन में मैंने सोचा मैं तो जमीन पे बैठ ही नहीं पाऊंगी, मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। और गुरुजी एक कमरे में जाके उन्होंने कर लिया दरवाजा बंद। मैंने सोचा इतनी देर से वो बोल रहे थे कि अपने भाई भरजाई को बुला कर लाओ और हम तो आए नहीं, तो हमारा नंबर तो यहाँ आने वाला है नहीं। दरवाजा खुला, गुरुजी सीधे मेरी तरफ आए और इशारा करके उन्होंने खड़े होने को बोला। मुझे खुद को रियलाइज नहीं हुआ कि मैं कब थक के बैठ गई। मुझे पूछा उन्होंने 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा जी मेरी टांगे बहुत दर्द करती हैं। तो उन्होंने बोला इतनी देर यहां बैठी रही, तुझे दर्द हुई, आज के बाद नहीं होगी और वो दर्द कभी लौट के नहीं आई। फिर उन्होंने बोला मुंडे दा 10। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दिए, सिर्फ इतना कहा गला खराब रहता है। उन्होंने बोला सोने का ओम पिना दे, घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। तो ये दो बातें जब मुझे बोली गई तो एक मन में लहर उठी कि इतने छोटे बच्चे को अब सोने की चेन। तो स्माइल करके गुरुजी मुझे कहते हैं पीले धागे में पिना दियो। फिर मैंने उनको देखा और ये लगा कि ये तो माइंड रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो मैंने बोली ही नहीं थी। फिर मैंने धीरे से टिपटो करके उनके कान में बोला, मैंने कहा ज्वाइंट फैमिली है जी। कहते हैं फिर तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे, सारी उम्र ना चावल खाओगे ना वर्तोगे, एंड वी डोंट। गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उस दिन, उनमें से एक ये भी थी कि तेरा अपना स्कूल है। मैंने कहा नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, स्कूल मेरी मदर चलाती है, मैं कुछ नहीं चलाती, मैं कुछ नहीं करती। कहते नहीं, मैंने देख लिया तो बहुत बढ़िया चल रहा, और तू देखना। अल्फाज उनके थे, मैं वेख लेता है तो तू वेखी, स्कूल खुलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। आई डिडंट हैव द हार्ट टू आर्ग्यू विद हिम, सो आई जस्ट केप्ट क्वाइट एंड आई थॉट पता नहीं क्यों ये बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। हाँ क्वालिफिकेशंस मेरे पास सारी थी, डिग्रीज जो चाहिए होती हैं सारी थी, लेकिन आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। एज टाइम वेंट बाय इट ओपन्ड एंड गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस मुझे ये थे कि जब तेरी बेटी की शादी हो जाए तब तू एजुकेशनल लैंड पे चली जाइए। तो 20 साल मैंने वो चलाया नर्सरी स्कूल, और उसके बाद एजुकेशनल लैंड पे हम आए। और चाहे कोरोना आया बीच में, लेकिन वो रफ्तार रुकी नहीं और हम चलते चले गए, आज वो खुला है। तो गुरुजी जो भी बख्शीश देते हैं वो कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। उनको ये पता था कि वो कब खुलना है, कैसे खुलना है, सब कुछ उनको पता था। ही हैड पेव्ड द वे। मुझे बहुत पुराने भक्तों ने बताया था कि जब गुरुजी कुछ बात कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसी इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आगे सब कुछ देख सकते हैं। तो हो सकता है वो 20 साल बाद की बात कर रहे हैं। वो इंसान को नजर नहीं आता जो गुरु बख्श रहा होता है, क्योंकि वो हमारे से तो बहुत एक रूहानियत लेवल पर है, वो एक नॉर्मल इंसान की लेवल पे नहीं होते। तो जो महापुरुष बख्शते हैं वो सब कुछ देख के बख्शते हैं, और जो आप गुरु ने बख्शा उससे बड़ी बख्शीश और क्या हो सकती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। उसके बाद गुरुजी जलंधर वापस चले गए और हम थैंक यू बोलने वहां उनके डेरे पे गए। जैसे ही हम वहां आए तो गुरुजी ने मना किया कि वापस दिल्ली मत जाना, अपनी बहन के घर लुधियाना चली जाओ और रात वहां पे रहकर अगले दिन दोबारा आना। और उस दिन गुरुजी ने लंगर की एक थाल, क्योंकि उस मंदिर में कोई और नहीं था, गुरुजी खुद वो थाली लेकर आए और गुरुजी ने वो हमें दी। मैं और मेरी फैमिली थे, बहुत सारी रोटियां थी, तो मैंने सोचा वेस्ट नहीं हो जाए, मैंने उठा के उनको देनी चाहिए। उन्होंने मुझसे लेके थाल पे जोर से उसे रख कर कहा ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन, खा, ये तेरी दवाई है। तब समझ में आया लंगर का महत्व, और गुरुजी ने समझाया कि ये जो लंगर प्रसाद और जो चाय प्रसाद हम ग्रहण करते हैं ये उनकी ब्लेसिंग से भरपूर है और ये हमारी दवाई कभी काम करती है। इसका कहना ये नहीं कि हम डॉक्टरी इलाज रोक दें या हम डॉक्टरों से सलाह लेना बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं गुरुजी ने कहा।
उन्होंने बोला, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं। तो वो इलाज रोकना नहीं है, कोई भी मर्ज के लिए आप उस इलाज को जारी रखेंगे। जलंधर में सभा गुरुजी के कहने पे ही लगती थी और बाकी दिनों पे मंदिर बंद रहता था। अंदर सिर्फ उसको आज्ञा मिलती थी आने की, जहां जब गुरुजी कहते थे कि दरवाजा खोल दिया जाए और आ जाइए। एक ही सेवक थे, उनको मैंने पूछा कि गुरुजी अपनी सीट पे कब आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी द्वार तो हम 10 बजे खोल देते हैं और गुरुजी पाठ से उठ के अपनी सीट पे 11 बजे आ जाते हैं। अगले दिन हम 11 बजे हाजिर हो गए। अंदर जैसे ही आए देखा कि हाँ कोई भी नहीं है और गुरुजी अपनी सीट पे रोब्स पहन के बैठे हुए हैं। नॉर्मली गुरबानी लगती थी, शब्द लगते थे, कुछ भी नहीं, टेप भी बंद था। गुरुजी ने हमें देखा और मुझे देखते ही बोले, आंटी यू आर लेट। ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल, वेट आई विल टेल यू। और फिर उन्होंने पंजाबी में स्विच करा। दो आलू दे परौंठे खाए, एक कटोरी दही दे नाल, आधा ग्लास पानी पीता, टेबल ते रखिया। उस तो बाद फिर तू टॉयलेट गई, तेरे पहन दे पिछे वाले कमरे विच तेरा काला सूट केस पिया सी, तेनू तेरी कुड़ी दी ड्रेस पसंद नहीं आई, उन्हों चेंज करके तू ऑरेंज ड्रेस पाई, फिर तू सारे कमरिया विचों जाकर सबनों कलेक्ट किता, वापस आई टेबल ते, आधा ग्लास जो पानी दा पिया सी फिनिश किता, फिर टॉयलेट गई। पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुआ नू वेट नहीं कराई दा। आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज्ड टू हियर ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने सोचा हाँ लोगों में शफा होती है, एंड ही मस्ट बी ऑफ दैट ऑर्डर दैट यस ही कैन सी, बट हु इज ही। एंड देन ही सेड मैं तेरी फाइल खोल देती, एंड वट एवर ही हैड टू टेल मी ही डिड, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज अगेन बिकॉज देर वर सो मेनी थिंग्स विच हाउ कुड ही नो बट ही न्यू। एंड देन ही अलाउड अ फ्यू अदर पीपल टू कम इन। जब वो लोग आए उनकी संगत हमने सुनी, जो नरेशन थी गुरुजी ने उसका नाम संगत करना रखा हुआ था। तो वो नरेशन जब हमने सुनी, एक की सुनी, दूसरे की सुनी, तीसरे की सुनी, मेरे हस्बैंड बोल उठे, गुरुजी हमारे साथ जमीन पे ही बैठे थे, गुरुजी डोंट यू थिंक इट्स वेरी पॉम्पस कि आप एक को कह रहे हो जितने कल्याण मैंने तेरे करे हैं तू उनको सुना, तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी वडियाई करा रहे हो? तो गुरुजी ने स्माइल करके जवाब दिया, कहते हैं मेरे ब्लेसिंग्स देने के तरीके बतेरे हैं, कितने कल्याण ऐसे हैं जो मैं कर जाता हूं गुप्त, लोगों को पता भी नहीं चलता। वो गुरु ही क्या जो 10 के कल्याण करे, जो बता के कल्याण करे। उन बतेरे कल्याण करने के तरीकों में से एक ये भी है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। गुरुजी ने बताया तो पता चला। उसके बाद कई इंस्टेंसेस ऐसे आए जब गुरुजी ने बुलाया और संगत करने को कहा, उसमें क्या हमें ब्लेसिंग मिल रही थी ये हमें भी नहीं पता, ये तो गुरु ही जाने, ये उनके अपनी ही महिमा है और ये उनकी अपनी ही रूहानियत है जो वो दान में हम लोगों को देते हैं। गुरुजी टोल्ड अस वेरी सिंपल थिंग्स एंड दीज थिंग्स वर नॉट टोल्ड ऑन सभा डेज। सभा जब लगती थी तब गुरुजी बिल्कुल मौन होके बैठते थे और पूरी सभा मौन होके बैठती थी। सिर्फ जब गुरुजी किसी से बात करना चाहते थे सिर्फ उसी को बुला के गुरुजी बात करते थे, बाकी हम लोग कोई भी आगे अपने आप नहीं जाके बात कर सकते थे। तो गुरुजी ने एक दिन जब हम जलंधर में उनके पास नए नए ही गए थे, उन्होंने बोला जे जिंदगी दा कोड़ा मैनू दियो मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा, इफ यू हैंड ओवर द रेन्स ऑफ योर लाइफ टू मी आई विल टेक यू स्ट्रेट टुवर्ड्स योर सेल्वेशन। वी ह्यूमंस डोंट इवन नो वेयर आवर सेल्वेशन इज, सो दीज मैसेंजर्स ऑफ गॉड एंड गॉड इनकार्नेट्स आर टोटली नोइंग व्हाट टू डू फॉर मैनकाइंड, दे नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। तो उसके लिए उन्होंने सरेंडर, एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करा और बोला मुझे सरेंडर कर दो। सरेंडर वॉज टू गिव योर सोल टू हिम विलिंगली।
एंड दैट मेंट दैट सरेंडर एट द गुरुज फीट. उनको अपना आत्मसमर्पण कर दीजिए ताकि वो आपकी जिंदगी जैसे ले जाना चाहें वैसे ले जाएं. क्योंकि उन्होंने एक लाइन बोली थी, सृष्टि के फेर में मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जिदे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जाए और मेर हो जाए, ओ लेख मिटा के मैं नवा लेख लिख सकना. ही कैन री राइट आर डेस्टिनी इफ ही सो विल्स इट एंड इफ ही इज फीलिंग काइंड इनफ ही विल डेफिनेटली डू सो. बट ही हैज टू विल इट. He said, लोग आते हैं मेरे चरण छू के और मेरे को स्पर्श करके वो कुछ पाना चाहते हैं, जैसे पैर दबा के कुछ पाना चाहते हैं. He said, अगर मैं कहूं ये करो तो मैं दे रहा हूं. अपने आप से अगर कोई कर रहा है तो वो मेरे ऊपर है कि मैंने आगे क्या करना. हाउ गुरु जी डिड No one knows. He never told anybody, and if somebody knows, they will not say it out. So Guruji ko hi sirf pata hai ki wo kya karte hain, wo kaise karte hain, wo kiske saath, kis samay, kis roop mein kya unhone bless karna hai. Ye sirf Guru ko pata hai. He had said that Bhagwan ek hai. Loki Rabnu pulle baithe ne. Main yaad dilan aaya hu. Rab hai. That I have come to remind mankind that God exists and God is there. Mankind has forgotten. And he said, कहीं भी खड़ी हो जा, किसी भी डेटी के आगे, किसी भी रिलीजन में, भगवान एक है. तेरी जितनी अरदासें हैं, तेरी जितनी प्रेयर्स हैं, वो सारी एक ही भगवान को आके परवान होगी. भगवान एक है. जब गुरुजी ऑफ डेज, जब वो प्रोसेस वाले दिन नहीं बैठते थे, ये प्रोसेस वाला डे जो गुरुजी ने नाम दिया, ये उन्होंने खुद नाम दिए उन दिनों को जब वो सभा लगाते थे और जब बैठते थे लोगों का कल्याण करने के लिए. ऑफ डेज वो भी उन्हीं की टर्मिनोलॉजी है जो उन्होंने बताया कि जिस दिन वो सभा में नहीं बैठे वो उनकी ऑफ डेज है. उन दिनों में हमें बुलाया जाता था. कौन कब कहाँ जा रहा है गुरुजी के साथ किसी को नहीं पता था. किसको क्या बात बोली गई ये भी कोई शेयर नहीं करता था. ये सिर्फ कोरोना वायरस का ये जो दौर चला और उसमें सब एवरीबडी वांटेड टू जस्ट प्रे टू द ऑलमाइटी एंड डू गुड फॉर अदर्स एंड शेयर विद अदर्स व्हाट एवर गुड दे हैड रिसीव्ड फ्रॉम द गुरु. तो हमें पता चला कि गुरु जी ने किसको क्या बात बोली और कब बोली और कैसे बोली. इससे पहले किसी ने अपने साथ वो शेयर नहीं किया जो गुरुजी ने उनको बातें बोली. और कभी अगर शेयरिंग होती भी थी तो वो सत्संग संगत करना या नरेशन के दौरान ही होती थी, वो भी गुरुजी के हुक्म से, जब वो किसी को कहते थे करने को तब. आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी बिकॉज ही टुक केयर नॉट ओनली of my family but my parents as well. That is also my family. उन्होंने एक एक करके सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी. उन्होंने बहुत ब्लेस करा उनको. आज मेरे फादर जिंदा है, गुरु जी की बहुत कृपा है. उन्होंने उनका लिम्फोमा क्योर करा, उन्होंने उनकी मेमोरी क्योर करी, उन्होंने उनको आप जोगे रखा. He blessed my mother with quality life. And till the end, she was at the receiving end of his blessings. I was told, जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरां तले जमीन खिसक जाएगी. मैंने उनको हाथ जोड़े और बोला, महाराज मुझे बताना मत. He said, जी 5 साल बाद दसांगा तेनू मैं. मैंने कहा, जी मुझे 5 साल बाद भी पता नहीं करना, आप प्लीज मुझे क्योर कर दो. मुझे पता आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, मुझे पता भी नहीं करना. I was given no darshan for 5 years. And when 5 years were over, I prayed to him in my mind, Guruji, मेरा बड़ा दिल करता है, तुसी कुछ भी करके मैनू एक अपनी फोटो दिलाओ.
मैं किसी को लो मंगांगी नहीं। गुरु जी के हुक्म से एक फोटो मैगजीन में आई जो कि कभी अलाउड नहीं था किसी मैगजीन में उनका फोटो देना या न्यूज़पेपर में देना या टीवी पे देना। वो पन्ना मैंने निकाल के बेड साइड ड्रॉर में रख लिया और एक दिन मेरा सांस उखड़ गया। उस पन्ने को निकाल के उस फोटो को देख के मैंने सिर्फ इतना बोला, गुरु जी मैनू साह नहीं आ रहे। एक बड़ी अजीब सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई और ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस आया, बहुत खुल के आया। मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भागा था हॉस्पिटल। इससे पहले मैं अपनी मदर और अपने हस्बैंड को फोन कर चुकी थी। कांट ब्रीथ, बेटी नेबर के भागी थी, घर के मेंबर हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। जब हॉस्पिटल में मैंने देखा कि मेरे नाक पे एक मास्क लगा हुआ है और मैंने नर्स से पूछा मैं कहाँ हूँ, शी सेड आईसीसीयू। मन में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई होर, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। जब गुरु जी के आगे खड़ी थी, उन्होंने स्माइल करा और मुझे देख के बोला, क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई होर, सिर्फ तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकेंड लाइफ, तू ऐश कर। He blessed the life that I am living today. He saw to it that everything was going well in my life. He was the one who blessed my health. He was the one who paved my way for going forward. He said, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे नहीं। इस चीज का तू शुक्राना कर। एनी से जानवर मर के भी कम आ जाते ने, उन्हां दे बटुए बन जाते ने, बेल्ट बन जाती है, जुत्ते बन जाते ने, खान दे भी कम आ जाते ने, लेकिन इंसान मर के किस काम दा? मर के ते इंसान किसी काम दा नहीं। ते जिंदे जी जे इंसान शुकराना कर ले उदे वास्ते इन्ना ही काफी है। ते शुकराना करना चाहिए, ऐसा गुरु जी ने बताया। वी मस्ट थैंक गॉड फॉर ऑल दैट ही हैज गिवन। We must be thankful for all that has come our way without our knowing, without our asking. There is a higher authority called God who is doing all this. And we must never forget, never, that God's presence is there everywhere, in whichever form, in whichever religion. He had never propagated any religion. उन्होंने सिर्फ जिंदगी को एक सही तरीके से जीने का एक ढंग सिखाया। उन्होंने कभी अपना कोई रिलीजन नहीं प्रोपगेट करा। बच्चे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बचपन से लेते गए, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था हमें, जब गुरुजी हमें जलंधर, पंचकुला, चंडीगढ़, जहां जहां उनके डेरे होते गए वो बुलाते गए। और कभी भी मुझे बच्चे हुक्म था कि घर छोड़ के नहीं आने, उनको साथ लेकर आओ। So it was always Friday we picked them up from school and Sunday night जब आज्ञा हमें मिलती थी तो उस समय घर जाकर और सुबह सुबह बच्चे अगले दिन स्कूल जाया करते थे। कभी भी उनकी पढ़ाई में कमी नहीं आई, क्योंकि सभा शाम को लगती थी तो दिन में टाइम उनको मिल जाता था पढ़ने के लिए। कई बार बहुत ज्यादा ठंड होती थी जब हम लौट रहे थे पंजाब से, और दिल्ली के लिए रात को कई बार आज्ञा मिलती थी 2 बजे कि अब दिल्ली चले जाओ। छोटे छोटे हमारे बच्चे और छोटी सी हमारी गाड़ी, तो वहां से जब हम चलते थे रास्ते में कई बार बहुत धुंध थी, बहुत औखा होता था। तो मैंने एक बार अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा, आई कांट इवन सी कि आगे जा क्या रहा है, हाउ कैन यू ड्राइव, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता? तो ही सेड, पता नहीं कहीं से एक ये ट्रक आ जाता है आगे जिसकी रेड टेल लाइट मुझे नजर आती है, और वो रेड टेल लाइट पूरा हमारे घर के मोड़ तक होती है, और फिर वो ट्रक पता नहीं कहाँ डिसअपेयर हो जाता है, और हर बारी मैं ऐसे ही चलाता हूं और ऐसे ही ये ट्रक आगे आ जाता है। एंड देन वी यूज टू गेट गुरुजीज फ्रेग्रेंस। गुरुजी इमिटेड अ फ्रेग्रेंस फ्रॉम हिज बॉडी व्हिच ही टोल्ड मी
युगों युगों के तप का ये नतीजा है और ये फल है। और ये महापुरुष जिस मर्जी को दे सकते हैं प्रसाद बनाकर। दो जने साथ बैठे होंगे, एक को आएगी दूसरे को नहीं आएगी, ऐसा गुरु जी ने बताया। सो गुरु जी ऑलवेज सो टू इट कि उनकी संगत कंफर्टेबल रहे, उनकी संगत घर तक सेफली पहुंचे। हुक्म हमेशा ये था कि सीधा घर जाना है। जब उन्होंने दिल्ली में सभा लगानी शुरू करी, वहां से भी हमें हुक्म यही होता था, रास्ते में रुकना नहीं, सीधा घर चले जाना और घर अपनी पूरी ब्लेसिंग्स लेकर जाना। सो वेन एवर यू गो टू द मंदिर, यू टेक योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर एंड यू गो स्ट्रेट होम, ऐसा गुरु जी ने बताया। गुरु जी ने हमेशा ये बोला कि जो भी मेरे मंदिर आएगा वो हमेशा कुछ ना कुछ मुझसे लेके जाएगा, वो खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। और वो क्या है जो गुरु जी ने दिया, ये सिर्फ गुरु जी को पता होता है कि उन्होंने किसको क्या किस समय दिया। मैंने एक बार गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, मैं तो ये सुनती हूं कि आपसे कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, और मैं तो हमेशा अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ शारीरिक ठीक करने के लिए मांगती ही रहती हूं। तो गुरु जी ने आगे से स्माइल करके बोला, ऐ मंगना नहीं होंदा, एदे वास्ते ते मैं हां। मतलब आपकी कोई बीमारी है या आपकी कोई भी कठिनाई ऐसी है तो आप मांग सकते हैं। कोई भी शारीरिक रोग के लिए मांगना, मांगने की गिनती में गुरु जी के कहने के ऊपर नहीं आता, ऐसा उन्होंने ही बताया। फिर उन्होंने बताया कि मांगना होता है मटीरियलिज्म, जैसे कि कुछ भी आप मटीरियलिस्टिक उनसे अगर मांगे तो वो मांगने की गिनती में आता है। और उन्होंने ही बताया कि वो मांगना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या खुश होके ब्लेस कर दूंगा, तुम्हारी सोच से भी परे होगा। लेकिन अगर तुम मांगते हो, मांग के तुम आधा कर दोगे तो फिर उसका क्या फायदा, तो वो लो जो मैं दे रहा हूं। बिकॉज वॉट ही विल गिव, ही विल मेक श्योर कि वो चीज आपको फलित हो, वो उसका भोग हो आप। और कभी भी गुरु गलत चीज नहीं देंगे। गलती से भी अगर हमने अपने लिए कुछ ऐसी चीज मांग ली जो हमारे लिए ठीक नहीं, हमें वो पता भी नहीं कि वो चीज ठीक नहीं या हमें नहीं फलेगी या प्रॉब्लमैटिक होगी इन फ्यूचर, तो इसीलिए गुरु पे ही छोड़ देना चाहिए कि जो आप मेरे लिए ठीक समझें आप उसे करें, और वो वही करेंगे जो उनको ठीक लगता है। गुरु जी आज भी स्पिरिट फॉर्म में हमारे साथ हैं। द ह्यूमन फॉर्म वॉज ओनली टू शो अस दैट ही हैड कम इन दैट फॉर्म। अगर आप मुझसे पूछें, मेरे लिए वो परमात्मा का रूप है। मुझे एक बार गुरु जी ने बोला, रब कदी नजर नहीं आंदा, देन ही सेड रब नू प्यार करो, रब को नू डरो ना। बहुत साल बाद उन्होंने ये बात मुझे एक आंटी को बताने को बोली। मैंने उनको बताया और गुरु जी को साथ ही ये भी बोला, गुरु जी मैनू थोड़े विच रब नजर आंदा है, एंड ही जस्ट स्माइल्ड। ही वॉज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ही न्यू एवरीथिंग बट ही चोज नॉट टू डिस्क्लोज टू पीपल मोर देन हाफ थिंग्स दैट ही न्यू अबाउट देम। अगर वो बोलने पे आ जाते तो इंसान को कहीं कुछ समझ नहीं आती कि इनको कैसे इतना पता। आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमें देख सकते हैं, गुरुजी हर चीज सुन सकते हैं। कभी भी गुरुओं के आगे चिट्ठी नहीं डाली जाती। गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुआ नू कदी भी चिट्ठी नहीं लिखी दी, एंड ही हैड मेंटेन्ड दैट मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सिर्फ जो मेरे बारे विच दसदा है, सब तो पहले तो मैं उन्हें ब्लेस कर देना, फिर जिन्हें सुनिया उदा ते मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। मेरे पास अगर कोई एक कदम भी लेता है तो मैं 100 कदम चल के उसके पास जाता हूं।
गुरु जी इज ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी। उनकी उनके लिए कोई नई पुरानी ऐसी कोई डिमार्केशन नहीं है। इंसानों में, संगत में कोई भी डिमार्केशन नहीं है। एवरीबडी इज गिवन समथिंग टू डू बाय गुरु जी'स विल। व्हाट दे मेक आउट ऑफ इट इज देयर ओन डूइंग एंड देयर ओन प्रेरोगेटिव। ही इज वॉचिंग एवरी वन ऑफ अस एंड ही इज ऑलवेज देयर। आप कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करिए क्योंकि गुरु जी हैं। एंड गुरु जी वॉज ऑलवेज ब्लेसिंग मैनकाइंड। चाहे वो बाजारों में जब जाते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये इतने महान महापुरुष हैं और वो चलते जा रहे हैं और वो ब्लेस कर रहे हैं लोगों को। एक दिन किसी जूते की दुकान में गए, वहां सेल लगी हुई थी, तो बीच में बहुत लंबा सा एक टेबल था, करीबन 12 फुट का होगा, और जूते ही जूते उसके ऊपर। ही जस्ट वॉक्ड इन, टच द टेबल एंड सेड चल, एंड देन ही वॉक्ड आउट। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, इतने लोग उन जूते चप्पलों को पहनेंगे, और गुरु ने उस टेबल को हाथ लगाया, वो सारे ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो गए होंगे। हाउ ब्लेस्ड आर दोज पीपल हु डिडंट इवन नो दैट ही हैड कम एंड ब्लेस्ड। दैट वॉज माई ओन थिंकिंग। ही नेवर टोल्ड मी वॉट ही वॉज डूइंग। एंड ही वुड ब्लेस पीपल बाय समटाइम्स जस्ट गोइंग टू ईटरीज एंड ही वुड टॉक टू द शेफ्स ओवर देयर एंड ही वुड टेल देम टू मेक सर्टन थिंग्स। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो वो उनकी लाइव्स में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भेज रहे थे। और कितनी बार गुरुजी ने बताया कि मैं गुप्त कल्याण करता हूं, कितनी बार उन्होंने जा जा के लोगों को ब्लेस करा। उस जमाने की बात, जब गुरुजी कितना बोलते थे कि उसको बुला कर लाओ, इसको बुला कर लाओ, और लोग आते नहीं थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, जो उनके मन की धारणा, हर जना शुरू में संकोच ही करता है कि पता नहीं कौन है। तो गुरु जी ब्लेस करते चले गए और गुरु जी के पास आज भी देने का इतना भंडार है कि ही विल कंटिन्यूअसली ब्लेस। बड़े मंदिर एक दिन लेकर गए और मुझे ये बोला, मेरे हस्बैंड को और मुझे, इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है। यहां मैंने इतनी शक्ति भर दी है, यहां जो आएगा उसकी अरदास कबूल। अरदास बहुत सोच समझ के करिए संगत जी, क्योंकि जैसा गुरुजी ने बताया कि जो आपको अलाउड है वो चीज ही सिर्फ आप अरदास करिए, बाकी सब चीजें आप वहां जाएंगे ऑटोमेटिकली गुरुजी को पता है। मंदिर में कभी भी किसी भी चीज की कागजात ले जाने की या कोई भी चीजें ले जाने की जरूरत नहीं। उनको पता है कि आपने क्या लिया, आपने क्या दिया, आप किस चीज के लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। ऑटोमेटिकली वो घर बैठे ही आपको ब्लेसिंग्स गुरुजी पहुंचाते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया। यू आर नॉट यू नो टू डू दैट। एंड कंटिन्यूअसली आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जो गुरुजी ने देना है डायरेक्टली आपको ही देना है। आप डायरेक्टली मंदिर जाइए, वहां पे आप अपनी ब्लेसिंग्स लीजिए और आप सीधा अपने घर को आइए। प्रोसेस आपका कंप्लीट होना चाहिए जैसा गुरुजी ने बताया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, एंड देन यू कम होम। कोई भी दोनों में से एक चीज छोड़िए मत। और प्रोसेस वाले जिन दिन, जो आज की डेट में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हैं बड़े मंदिर के, आप जरूर जाएं। दुगरी मंदिर भी गुरुजी ने स्थापना करवाई और आज भी जलंधर मंदिर में आप मोस्ट वेलकम हैं। आप गुरुजी से कनेक्टेड रहिए, सारी बातें आप गुरुजी के साथ शेयर करिए। आप अपने जवाब अपनी जिंदगी में जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं
आपके जवाब अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ गुरु महाराज अपने आप बख्शेंगे। हैव फेथ और जुड़े रहिए। ये वो दर है जहां से कोई खाली नहीं जाता, ये वो दर है जहां कभी किसी के साथ गलत नहीं होगा। कनेक्शन शुड ओनली बी विद गुरु जी। द डायरेक्ट कनेक्शन कैन ओनली बी विद गुरु जी एंड यू कैन कनेक्ट वाया टेलीपैथी थ्रू योर माइंड। गुरु जी हैड सेड कि जाप जब जबान से नहीं, जब दिमाग से चलता है तो असल जाप शुरू। मुझे मेरे हस्बैंड को उन्होंने ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय कहने को कहा। उन्होंने कहा शिव वो मैं हूं, शिव द क्रिएटर, ऐसा गुरु जी ने बताया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, गुरु जी इज फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर दोज हु हैव कम अंडर हिज फोल्ड एंड दोज हु आर बिलीविंग इन हिम। इट इज समथिंग सो प्रिस्टीन, सो प्योर दैट इट मस्ट बी शेयर्ड विद अदर्स। एंड जितना गुरु जी कहते थे, जितना मेरे बारे में अगर कोई बताता है तो वो ब्लेसिंग्स ही ले जाता है। एक बार उन्होंने कहा कि दो जने भी अगर मेरा जिक्र कर लें, हो गई मेरी संगत, मीनिंग मेरा सत्संग हो गया अगर दो इंसान भी बैठ के मेरे बारे में बात कर लें। गुरु जी इज फॉर एवरी वन लाइक आई जस्ट सेड एंड ब्लेसिंग एवरी वन मल्टीफोल्ड। यू ओनली हैव टू कनेक्ट एंड That step you have to take yourself. You can hear from another person, but that step you have to take yourself. You have to believe. And if you believe, everything is possible. Guru ji ke alfaz the, je vishwas hai, te sab kuch hai. Je vishwas nahi, te kuch nahi. So believe. And believe that you are at the right place with the right connection to Guru ji. जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सबीना आंटी, सबीना आंटी, अभी तो किसी भी संगत का मन नहीं भरा है अभी, प्लीज अभी अभी बल हम इसको एज्यूम करेंगे 50% हुआ है बस, प्लीज। जय गुरु जी। गुरु जी हैड वंस given a blessing in such a manner that my son was going in the car to Guruji with us after class 12 and he said, main na papa ka business join kar lunga, MBA kar lunga. Hum andar gaye, usne Guruji ko matha teka, Guruji ne pucha kuch nahi, sirf bola MBA not for you, you do law. And then he looks at me and he says, मैं बड़ा टॉप द वकील बनाना है। उसके बाद पढ़ाई चालू हुई और he was a naughty child. It's not that he did not have the capability, but at that time he was busy chilling. So he said, मुझे ना ये पढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही है, आप गुरुजी को नहीं कह सकते कि कुछ और दे दे, मुझे कुछ और बख्श दे। सो आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड वहां लोग आते हैं गुरुजी से कुछ पूछते हैं और गुरुजी उनको झिड़क देते हैं और बोलते हैं मैं कोई जोचिया, और आपको गुरुजी खुद बता रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं, आप गुरुजी को बोल दीजिए कि जी कुछ और दे दे, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी और आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगी कि आप उनको ये बोलें। बट यू हैव योर ओन डायरेक्ट कनेक्शन विद योर गुरु, सो इट इज अप टू यू लाइक वट यू वॉन्ट टू से टू हिम। आई रियली वुड नॉट टेल यू टू से दैट टू हिम। जिस दिन हमने ये बात करी, कुछ दो घंटे बीते होंगे, गुरुजी का फोन आया कि बच्चों को भी साथ लेकर आना, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। कुछ संगत और भी आई हुई थी जहां गुरुजी लेके गए, तो जब तक सब गाड़ी पार्क कर रहे थे, गुरुजी चलने लगे, मैं और मेरा बेटा
गुरुजी के साथ साथ चलने लगे। लिफ्ट आई, हम तीनों लिफ्ट में गए और लिफ्ट का दरवाजा हो गया बंद। बिना कुछ पूछे गुरुजी मेरे बेटे को देख के कहते हैं, वकील ते मैं तेनू बना के छड़ना है, लेटर और सूनर। एंड देन गुरुजी लुक्स एट मी, इससे सभी ना 2 साल इन्हू बड़े मुश्किल लगनगे, उस तो बाद तू यदि टोर देखी इन्हू मैं बड़ा टॉप दा वकील बनाना। टुडे ही इज अ लॉयर एंड ही हैज गुरुजी टू थैंक। ही लिटरली गुरुजी मेड हिज लाइफ बिकॉज गुरुजी न्यू व्हाट ही वुड बी गुड एट। गुरुजी न्यू एंड गुरुजी, आई थिंक गुरुजी पुट दैट पोटेंशियल देयर। मे बी ही माइट नॉट हैव बीन सो केपेबल इफ गुरुजी हैड नॉट विल्ड इट एंड ब्लेस्ड हिम विद दैट। आई एम फॉर एवर थैंकफुल। एंड ही सॉ टू इट दैट माई डॉटर ऑल्सो वॉज वेल सेटल्ड। All blessings were given to her, and every time she would sit next to him, there would be a song playing. And this was after langar. Shabad Gurbani और भजन लगते थे जब सभा लगती थी, और जैसे ही सभा खत्म होती थी तो कई बार गुरुजी लंगर रुकवा के और सत्संग कराते थे। जैसे मैं ये सत्संग कर रही हूं आज आपके साथ, और भी बहुत लोग करते थे। तो उसके बाद जब लंगर सर्व होता था तो गुरुजी कुछ पंजाबी के फोक सॉन्ग्स भी सुनवाते थे। उनका ये कहना था कि इतनी देर ध्यान में कोई नहीं बैठ सकता, और उसके बाद तुमको अपनी जिंदगियों में वापस भी जाना है। तो ही यूज टू चेंज द मूड एंड द माइंड सेट बाय प्लेइंग दोज सॉन्ग्स। सम ऑफ दोज सॉन्ग्स वर डांस नंबर्स जिसके ऊपर गुरुजी ने बहुत बार संगत को डांस करवाया। एंड देयर वाज वन सच सॉन्ग व्हिच वाज रिलेटेड टू यू नो मैरिज, एंड दैट सॉन्ग वुड प्ले एवरी टाइम शी वुड कम। एंड समहाउ जैसे लोग छटते चले जाते थे जब आज्ञा मिल जाती थी, कुछ संगत गुरुजी रोक लेते थे। तो जब गिनी चुनी संगत रह जाती थी, कुछ थोड़े से 20-25 लोग रह जाते थे, तो वो जाके बैठ जाती थी उधर, एंड गुरुजी वुड स्माइल एट हर एंड ऑटोमेटिकली दैट सॉन्ग वुड कम। एंड इट वाज नो कोइंसिडेंस बिकॉज एवरी टाइम दिस वुड हैपन। सो देयर वाज अ डायलॉग हैपनिंग बिटवीन हर एंड गुरुजी, एंड श्योर इनफ एवरीथिंग फिटेड टू द टी, एवरीथिंग। एंड आई एम सो थैंकफुल गुरुजी, बिकॉज there were certain things which I could never have done for her, which Guruji did for her. So both my husband and I, we are very, very thankful to Guruji for settling our children. And he's going to do that for everybody. It is not just us. It is everybody. उनकी तो मेहर की नजर सबके ऊपर है। And वो ब्लेस करते थकते नहीं। There were times when I heard and I also saw that जब गुरुजी कल्याण करते थे किसी का, वो लोगों का मर्ज अपने ऊपर ले लेते थे और फिर भोगते थे। उनको तकलीफ होती थी क्योंकि वो इंसान की जूनी में आए, वो इंसानी रूप, जैसे इंसान भोगते हैं, जैसे इंसानों को दर्द होता है, वो अपने भक्त का दर्द अपने ऊपर ले लेते थे। बट ही वॉज सो ग्रेट इन स्टैचर दैट ही वॉज रेडी फॉर मोर। वंस ही टोल्ड मी, ही सेड, बंबई की सड़क उत्ते मैं भिख मंगी है। तेन पता है कितना मुश्किल होता है भिख मंगना। एंड देन ही टोल्ड मी, मैं युगों युगों का तप किया। देन वंस आई वॉज टोल्ड किन्ने साल मैं जंगलों में सी, उत्ते मैं पत्तिया उत्ते निर्वाह किया। He ate only leaves for years. When he was talking, we did not know the time span. We did not know whether he was talking about 10 years back or 20 years back or 20 ages back. We really do not know. उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, हमने हाथ जोड़ के सुना, एक्सेप्ट किया। गुरुजी इज नॉट merely an ordinary saint. What I felt, what I saw, what I felt
what he blessed us with. He is not an ordinary saint. और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये कुछ कर रहे हैं और किसी को पता नहीं चलेगा. He knows everything. उनको कुछ भी बयान करने की जरूरत नहीं है. आप सब खुली किताब है उनके सामने. एब्सोल्युटली. सो वी आर ऑल सो ब्लेस्ड कि उन्होंने एक रास्ता बताया, उन्होंने एक प्रेयर का रास्ता बताया और उन्होंने यही बताया कि आगे चल के हालात बहुत माड़े आने वाले हैं और वो हालातों से अगर बचना है तो उसका उन्होंने बताया जो पाठ करेगा वो बच जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर से डर के चलें. वो बिल्कुल उसका मतलब नहीं है. वन इज नॉट ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ पोर्ट्रे दैट यू नो इट्स अ स्केरी पिक्चर. नो, इट इज जस्ट दैट इंसान की जिंदगी में डिफिकल्टीज आएंगी. उन्होंने ये बोला लाइफ इज नॉट ईजी. उन्होंने ये लैंग्वेज बोली और ये लाइन बोली, लाइफ इज नॉट इजी बट प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एवरीथिंग. आप जब प्रेयर करते हैं तो वहां आप भगवान को बुला रहे हैं और जब भगवान आ जाते हैं तो आपकी समस्या जो है वो समस्या ना रह के उसका हल निकल आता है. इट वॉज एज सिंपल एज दैट. द प्रेयर व्हेन सेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड गिवन बाय द गुरु इज ऑलरेडी एनर्जाइज्ड बाय द गुरु. तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो बोलना है जो गुरु ने बोला. तो जब हम वो बोलते हैं और हम उसको रिपीट करते हैं, वहां गुरुजी होते हैं और गुरुजी ही उसको एनर्जाइज करते हैं और गुरुजी ही उसको आगे लेके चलते हैं. वी आर ओनली सेइंग इट. कर सब गुरु रहे हैं, हम सिर्फ कृपा के पात्र हैं. वो सब कुछ आप कर रहे हैं बट वो पहला कदम आपको लेना पड़ेगा. मुंह से आपको बोलना पड़ेगा, अपने माइंड में आपको बोलना पड़ेगा. लाइक ही टॉट से इट इन द माइंड. उसके लिए उन्होंने ये भी बोला था गुप्त पाठ. ही हैड सेड गुप्त पाठ. नाल बैठे नू ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो. देन ही सेड गुप्त दान कि एक हाथ को ना पता चले कि दूसरा हाथ क्या दे रहा है. So he just used to say this whenever he was just with us on some days when he was not sitting in the sabha. And it was a blessing for us that we heard all this from him. एक बार उन्होंने बोला अपने समय को हमेशा बढ़ा के बताते हैं, कभी घटा के नहीं बताते. कि तुम जैसे बोल लेते हो 9:45 तो 9:45 कहो, 8:45 कहो. Say 8:45, not 8:45. In quarter, you are reducing. In 8:45, you are increasing the time from 8 ahead. So it is good to say when your time is increasing. The reason I never asked Guruji, I did not have the guts to ask him. And he never told me more than this. He just said, say it like this. And I try to do that. Many a time, he would say certain things and then he would just, you know, he would just bless in such a manner that the person sitting there would not even come to know ki unhone kya bol gaye wo aur kis tarike se unhone bless kar diya unko. Ek baar koi lady unke paas aayi aur unhone bola ki guruji meri ye friend jo hai ye aapke paas nahi aa sakti, ye dusre shahar mein rehti hain और इनको ये बीमारी है, आप ब्लेस करिए. तो गुरुजी ने बोला कि वो मेरा लोटा जो है उसमें जल भरे और उससे पीना शुरू करे. तो मैं साथ बैठ के सुन रही थी. तो उन्होंने बोला कि मेरे पास लोटा लाने की भी जरूरत नहीं है, उसको बोल मेरी फोटो से घर बैठे ही चुवा दे, वो ब्लेस हो गया. खरीदना उनको अपनी कमाई से था. जब वो आए तो पहले अंदर और बाहर से उसको साफ कर लिया जाए. हमें बताया गया नींबू या राख से. शाम को उसको भर दिया जाए
कोई एक साफ स्थान में रख लिया जाए और अगली सुबह सबसे पहली चीज उसको एक ग्लास को पी लिया जाए, अगर पूरा नहीं उस समय इकट्ठे खत्म हो रहा। वो सारे दिन में आपको खत्म करना है शाम तक। शाम को फिर आप यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे और लाइफ लॉन्ग इसको रिपीट करते चले जाएंगे। कई लोगों को गुरुजी ने बताया कि आधा पी लो और आधा नहाने के पानी में डाल दो, लेकिन हमें जो डायरेक्टली बताया गया, मेरे को और मेरे हस्बैंड को, तो हमें वो पूरा फिनिश करना था। गुरुजी की डिस्क्रिशन होती थी कि किससे वो कहते थे कि आप लोटा लाइए, सबको नहीं मिलता था, क्योंकि जो जिसको प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो उसके लिए गुरुजी ब्लेस करके देते थे। सो दोज वर द थिंग्स व्हिच आई हैड जस्ट हर्ड व्हेन आई वाज डायरेक्टली टेकिंग इट फ्रॉम हिम एंड व्हेन आई हर्ड हिम से दैट टू समबडी एल्स। कई बार वो बाहर भी लेके गए और जब वो बाहर लेके जाते थे तो उस समय ही वॉज वेरी काइंड एंड मजाकिया तौर पे वो बोल भी देते थे कि ओके नाउ यू हैव टू गो विद मी, सो गो बाय सम क्लोथ्स फॉर योरसेल्फ। सो वी वुड नॉट नो वेयर ही इज टेकिंग अस एंड व्हेन वी आर गोइंग एंड टू हूज प्लेस वी आर गोइंग, बट जब गुरुजी का हुक्म होता था तो दैट वॉज इट। एंड वंस ही सेड ही वॉज कमिंग होम, उन्होंने मुझसे पूछा मैनू जिथे बिठाएंगी उथे रोशनी है? मैंने कहा हां जी गुरु जी, अभी हाल ही में बदलवाई है लाइट। अच्छा, ते जिथे संगत बैठेगी उथे? मैंने कहा हां जी गुरु जी, उधर भी रोशनी है, चारों तरफ है। मैंने कहा हां जी गुरु जी। सो ही वॉज ऑलवेज इंसिस्टेंट ऑन सिटिंग इन ब्राइट लाइट। कलर्ड लाइट कभी भी उन्होंने अपने ऊपर फोकस नहीं कराई, ना ही उन्होंने कभी भी, जब गुरु जी किसी के भी घर जाते थे तो ना ही गुरुजी के ऊपर कोई कलर्ड लाइट फेंकता था, ना ही कोई वो उस तरीके का फोकस होता था। इट वाज ऑलवेज वार्म लाइट और व्हाइट लाइट, मतलब नेचुरल लाइट जो होती थी। गुरुजी के मंदिरों में भी गुरुजी ने अपने हुक्म से ही शैंडिलियर लगवाया जिसमें नेचुरल लाइट थी। और उस टाइम जब संगत ने घर आना था तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी किस किस को बोले, तो गुरुजी ने बोला जिसको भी लाना है मैं लेकर आऊंगा, तुम्हें किसी को बोलने की जरूरत नहीं। मैंने फिर भी घर में जाके, जैसे हम सब ने सलाह करी और गुरुजी के पास हम पूछने गए कि गुरुजी कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्लीज बुला लें, तो गुरुजी ने बोला अच्छा लिस्ट लेकर आओ। तो लिस्ट गुरुजी के पास गई और लिस्ट में गुरुजी ने ब्लेसिंग दी सबको, तो ऑल दोज पीपल वर ऑल्सो इन्वाइटेड। बट बाकी इतने लोग जो थे उसमें से मेरे ख्याल से गिनती के ही लोग होंगे जिन्हें हम जानते थे, हम उनको जानते तक नहीं थे। एंड गुरुजी ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल उस दिन नहीं बताया। इट वाज कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो। एंड सिंस गुरुजी हैड सेड दैट देयर वुड बी मेनी पीपल, सो वी आस्क्ड हिम वेदर वी कुड डू केटरिंग, ही अलाउड अस एंड वी डिड जस्ट दैट। उस दिन कितने लोग ब्लेस हुए वो गुरुजी को पता है, और बहुत कल्याण गुरुजी ने लोगों का करा। उस दिन जब हमने गुरुजी के आगे थाली परोसी, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी, हम जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि एक रोटी दरानी एक रोटी जिठानी, मतलब ही टुक वन वन रोटी फ्रॉम बोथ माई सिस्टर इन लॉ एंड माई सेल्फ। एंड जब वो दो रोटियां आई, उसके बाद गुरुजी ने दो रोटी ऐसे बताया कि एक एक प्लेट में एक एक चम्मच सब्जी डाल डाल के इस एक रोटी को अलग से कहीं रखा, जब सब संगत चली जाएगी तो इस घर के जो मेंबर हैं वो एक एक ग्राई आपस में उस रोटी की शेयर कर लें। दूसरी रोटी उन्होंने बोला कि ये अभी जाके बिना देखे लंगर में डालो, जहां रोटियां पड़ी हैं विदाउट लुकिंग वो एक रोटी वहां डाल। सो वी डिड जस्ट दैट जो उन्होंने उस दिन बताया। आज के दौर में
वो बताई हुई बात हमारे बहुत काम आती है, क्योंकि जब कभी भी संगत होती है घर पे या स्कूल में तो हम हमेशा यही फॉलो करते हैं, दैट वन फॉर द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एंड वन फॉर द एंटायर संगत विच गुरु जी हैज ब्लेस्ड। गुरु जी ने कभी भी कुछ भी एज सच धार्मिक किताब पढ़ने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। तो बहुत सारी लेडीज एक दिन उनको कुछ पूछ रही थी, जलंधर के मंदिर में बरांडे में गुरुजी चटाई पे बैठे थे, और बहुत लोगों ने पूछा मैं कौन सा पाठ करूं, तो किसी को गुरुजी ने बोला सुखमनी साहब पढ़ ले, किसी को बोला जपजी साहब कर ले, किसी को बोला गीता का पाठ कर ले, किसी को बोला शिव पुराण पढ़ ले। सारे पूछ पूछ के अंदर चले गए हॉल में, मैं रह गई वहां पे, मैं नई थी, मैंने सोचा शायद यहाँ पूछना होता है। धीरे से आगे गई, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं केड़ा पाठ करा, कहते हैं सवेरे उठनी है बच्चा नु स्कूल ले तैयार करनी है, ए करते रहिए तू अपना पाठ, होर केड़ा पाठ होंदा है, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होंदा। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था अपनी लाइफ के बारे में, बट ही न्यू एवरीथिंग। जब बच्चे बड़े हो गए फिर उन्होंने बोला शिव पुराण पढ़ लेता कर। उस दिन मेरा दिल करा कि मैं गुरुजी से कुछ अपनी मन की बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बोलूं। मन की बात ये थी कि माई डॉटर वॉज हैविंग मेडिसिन फॉर यू नो वीजिंग, एंड गुरुजी से मिलने से पहले उसको ये हुआ। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग ना हो जाए, और गुरुजी तो सब कुछ क्योर कर सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जैसे बोलना था कि उनको बताना था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको बोल सकूं। मेरी बच्ची थक के वहीं लेट गई, वो 3 साल की थी शायद उस टाइम। और धीरे से मैंने गुरुजी को माइंड में बोला कि गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको बोलूं कि मेरी बच्ची को आपके मिलने से पहले वीजिंग हुई, और आप कृपा करें और इस बच्ची को कभी तकलीफ ना हो। गुरुजी चौकड़ी मार के बैठे थे, उस लेटे हुए बच्चे की पीठ पे उन्होंने चौकड़ी खोल के एक अपना पैर रख दिया, और उसके बाद मैं जब दिल्ली आई मैंने सारी दवाइयां उठा के डस्टबिन में डाल दी, क्योंकि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी, और आज तक मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसको कभी भी दोबारा जिंदगी में वीजिंग नहीं। वो पैर जो गुरुजी ने उसकी पीठ पे लगाया था वो इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। जब मैं नई नई थी और वही जलंधर में गुरुजी बुलाते थे, एक टाइम दे देते थे कि इस टाइम इस डेट यहां पहुंचो, उस दिन मैंने गुरुजी को बताया, मैंने कहा गुरुजी मेरा हीमोग्लोबिन गिर रहा है और 8 है, तो कहते 8 नहीं है 6 है। मैं मुड़ी बैठने के लिए, तो जैसे ही मैंने उनकी तरफ पीठ करके बैठना चाहा, उन्होंने पीछे से ठाकी मारी एक मेरी पीठ के ऊपर। मेरे को कहते हैं 12 हो जाओ। 1 महीने के बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो 11.6 था। मेरी जिंदगी में इतना हाई कभी नहीं हुआ था। कितने कल्याण उन्होंने बिना बताए किए, कितने कल्याण वो आज भी कर रहे हैं, कितने कल्याण इस तरीके से हैं कि अगर गुरु से कोई बात करनी है तो ही इज एब्सोल्यूटली देयर एंड ही इज लिसनिंग, एंड इफ यू आर करेक्ट, इफ यू आर राइट, एवरीथिंग विल गो इन योर फेवर। अगर आप सच्चे हैं और अगर आप ठीक हैं, आप अगर कोई गलती नहीं कर रहे, तो एवरीथिंग विल फॉल इन योर फेवर। गुरु की शक्ति पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, और गुरु अगर देरी पा रहे हैं किसी चीज में तो पेशेंस रखना हमारा काम है, क्योंकि श्रद्धा और सबूरी दोनों चीजें ही हमारे ही काम आएंगी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। बिना आंटी
गुरु परिवार आज निहाल हो गया आपकी ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग से, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। जय गुरु जी आंटी, थैंक्स अ लॉट। गुरु जी महाराज की कृपा आगे भी बनी रहे, और जब भी आपको समय मिले तो हमारे आग्रह को आप मान के प्लीज संगत करने की कोशिश करें। जय गुरु जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब गुरु जी महाराज से हम सब आगे लेंगे।